नमस्कार, मैं हूं ओम वर्मा, फाउंडर सत्यमेव जयते यूएसए से। हमारे ऑफिस में एक लड़का आया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने फेसबुक पे ही हमारे बारे में पढ़ा और उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हमने कहा आप दफ्तर आ जाइए। उनसे काफी देर लंबी बातचीत हुई, उनकी बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी। वो 8 महीने पहले दिल्ली से माइग्रेट होके शादी करा के यहां पे आए हैं। उनके ससुराल वाले उनको टॉर्चर करते हैं बुरी तरह। उसका ग्रीन कार्ड उसको नहीं दिया, उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं दिया, वो उसको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, जिससे भी बात करोगे हमसे पूछ के करोगे। अपनी वो दिन की पूरी अपडेट अपने दामाद से चाहते हैं। और इसका मां कहना है कि 7 महीने तक तो ये बर्दाश्त करता रहा, अब पानी इसके सिर से गुजर गया है तो ये वहां से घर छोड़ के आ गया है। अब मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भारत से लड़के की शादी करा के लाते हैं तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ना उसका ग्रीन कार्ड रखे, ना उसको धमकाएं, ना उसको पुलिस की धमकी दें। इससे आप अपनी बच्ची की जिंदगी खराब करते हैं, नफरत पैदा हो जाती है ऐसी बातें करके। अगर आपके बच्चे मॉडर्न है तो आपसे किसने कहा था भारत जाके आप भारत का रहने वाला वहां का पढ़ा लिखा लड़का अपनी बच्ची के लिए ब्याह के यहां ला रहे हैं? वाय, अगर आपके बच्चे मॉडर्न है तो आपको पता होना चाहिए मॉडर्न बच्चे कैसे होते हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसी बातचीत करनी है, वाइन पीनी है, उन्होंने ड्रिंक कर लेनी है, उनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड को हग करके गले लग के मिलते हैं, 2-4 चुमियां शुमियां देके भी मिल जाते हैं। अब ये भारत से आया लड़का इस चीज को तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है कि भारत जितना मर्जी मॉडर्न देश हो गया हो, फिर भी संस्कार शर्म हया आज भी वहां बाकी है। मर्जी आपका दिल किया गले में पट्टा डाल दिया, जब चाहे पट्टा निकाल दिया। डोंट डू दिस। उस लड़के के प्रति लाइफ टाइम के लिए नफरत भर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप इज्जत के हकदार होंगे? हर आदमी चाहता है हमारे बच्चे का घर नहीं टूटे, सभी यही चाहेंगे, मैं भी यही चाहूंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां बदलाव की जरूरत है बदलाव करें। इस प्रकार के टॉर्चर से वो जमाना बदल गया है। आजकल के बच्चे गूगल पे हर चीज का इलाज ढूंढ लेते हैं कि भाई इसका कैसे कर रहे हैं। आप उसका ग्रीन कार्ड रख लेंगे, क्या उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा? नहीं। अगर जब रिप्लेसमेंट ले लेगा वो तो आपको 50 जगह पे गालियां निकालेगा आपको कि आपने ग्रीन कार्ड रख लिया था और उसने दोबारा लिया। आप ऐसा करते हैं कि वो ग्रीन कार्ड रखने से आप क्या कर लोगे? ऐसे कैसे आप लड़के को डिपोर्ट करवा सकते हो? कानून नाम की भी कोई चीज है यहां पे? प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। थैंक यू।